एस्ट्रोलॉजी सिंप्लीफाइड में आपका स्वागत है। आज जो हम चर्चा कर रहे हैं कि अगर आपकी कुंडली में जो तीसरा भाव है, छठा भाव है और ग्यारहवा भाव है, तीसरा भाव, छठा भाव और ग्यारहवा भाव जो लग्न से बनता है, अगर उस कुंडली में अगर जो ग्रह हम बता रहे हैं मंगल, शनि, सूर्य, राहु, केतु, अगर ये ग्रह आपकी कुंडली में बैठे हैं तीसरे, छठे और ग्यारह भाव में, तो जब भी आप धन प्राप्त करने की इच्छा रखते हैं तो जब भी इनकी दशाएं, अंतरदशाएं इन ग्रहों की चलेगी तो आपको धन प्राप्त करना, हाँ, आपको प्राप्त धन जरूर प्राप्त होगा अगर आप मेहनत करेंगे और आपके आपने इच्छा प्रकट की है कि हमें धन प्राप्त करना चाहते हैं। तो जब भी इनकी दशा अंतरदशा चले, जब तीसरे भाव में अगर और छठे भाव में और ग्यारह भाव में मंगल हो या शनि हो या सूर्य हो या राहु केतु हो, तो आपको धन प्राप्त करने में ये सहायता करेंगे। आप मेहनत कीजिए, जरूर ये आपकी इच्छा पूरी करेंगे। तो जो सूत्र को हम इस लग्न की कुंडली में लगा रहे हैं, यहाँ पे जैसा देख रहे हैं कि ग्यारह भाव में मंगल है, शनि है, आपके तीसरे भाव में केतु है, ऐसे ही छठे भाव में भी अगर ये सूर्य हो या कुछ भी, तो मंगल, शनि, सूर्य, केतु, राहु का तीसरे, छठे, ग्यारह भाव आपकी कुंडली में अच्छी बलवान स्थिति में बैठे हैं, तो जरूर आपको ये धन प्राप्त करने में सहायता करेंगे। आपको आप जरूर उस में जो भी कार्य क्षेत्र में है उसमें आप मेहनत कीजिए तो आपको जरूर धन प्राप्त होगा। तो ये शास्त्रों के अनुसार बताया गया है, आप अपनी कुंडली में देखिए, आजमाइए। आपको हमारे से अगर कंसल्टेशन परामर्श प्राप्त करना चाहते हैं तो आप कर सकते हैं। आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब किया, वीडियो को लाइक किया, शेयर किया, इसके लिए बहुत बहुत धन्यवाद।